मैं ना मेरा नाम था ना दाम बाजारे मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। लेकिन ये शेर के बरक्स मतलब रख रहा हूँ। दिल जान भी निसार किया, हिंदुस्तान के मशहूर फनकार जनाब मरहूम मोहम्मद हनीफ आगरेवाली साहब का कंपोज, और इस कंपोज में ये प्यारी सी गजल रख रहा हूँ। मक्ते में उस शायर का नाम मैं बाद में बताऊंगा। इसमें भाई मतलब सुनना। कोई अपना सताए तो बड़ी तकलीफ होती है, समझकर अपना जिसको अपने सीने से लगाया था वो चेहरा याद आए तो बड़ी तकलीफ होती है। एक बेवफा से गजल का पहला शेर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी शेर पहुंचा रहा हूँ ताकि आप अनीस को भी सुन सके। आज मैं शेर सुनना, बड़ा हंसी हूँ शेर। आए हाय, मालूम था वो देगा तहा, मालूम था वो देगा दगा उसके बावजूद, मालूम था वो देगा दगा उसके बावजूद, मालूम था वो देगा दगा उसके बावजूद, वादों पे ऐतबार किया, हाय क्या किया,
सर मार दूंगा मैं इसे जान जान में बातों पे एतबार वफा अखलाक चाहत हर कोई क्या जानता होगा वफा अखलाक चाहत हर कोई क्या जानता होगा वही समझेगा इस शय को जो उल्फत आशना होगा लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती शराफत खून में होगी तो इंसान पारसा होगा सुन ले मौजी तेरी इजाद भी अच्छी होगी सुन ले मौजी तेरी इजाद भी अच्छी होगी मुफलिसी में तेरी इमदाद भी अच्छी होगी तेरे किरदार का आईना चमक देगा जरूर खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी आएगा जिंदगी में दोबारा आएगा जिंदगी में हाँ आएगा जिंदगी में यही दिल को आसिफ ही आएगा जिंदगी में यही दिल को आसिफ ही दिल से नफरत निकाल कर रखना भैया ये छोड़ पकड़ कर रहा है मेरा भाई क्या मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे वायर वाला माइक दे दो ये सेल खत्म हो गया होगा इसका आएगा जिंदगी में यही दिल को आसिफी आएगा जिंदगी में यही दिल को आसिफी आएगा जिंदगी में यही दिल को आसिफी इंतजार किया हाय क्या किया अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मैं ये राज खोल दूं कि ये गजल किसकी है ये गजल मेरे अजीज जनाब और आपके भी अजीज हम सबके हर दिल अजीज जनाब डॉक्टर शजील साहब ने बतौर तोहफा ये गजल मुझे दी और ये इनकी मोहब्बत है कि ये हर महफिल में मुझे इतना ये गजल से नवाजते हैं शेर सुनना इस्माइल भाई बहुत प्यारा शेर अच्छा किया मगर फूल को बचाया था तुझे अच्छा किया मगर फूल को बचाया था तुझे अच्छा किया मगर फूल को बचाया कांटों से अच्छा किया मगर फूलों का कारोबार किया फूलों का कारोबार किया हाय क्या किया Thank you.
माशाल्लाह अनीस ने चार मिसरे सुनाए थे, चार ने बल्कि दो तीन शेर अशार पढ़े थे मैशर अफरीदी के। अनीस मैशर अफरीदी सो के बजा मैं हट बोल रहा हूँ ना। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे शेर मैशर अफरीदी के सुनाए तुमने, चार मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ मैशर साहब के। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, एक आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इस्माइल भाई एक आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। और मैं अगर अपनी जवानी के बता दूं किससे, तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए।
चार मिशन नसीहत आमेज उन नौजवानों तक पहुंचा रहा हूं जिनकी उम्र बहुत कम है और जिनको बड़ी लंबी जिंदगी देखनी है। अपनी जिंदगी में सब कुछ कीजिएगा जनाब, चार मिशन समाप्त करें। शकील भाई, इससे शेर से हटके मैसेज दे रहा हूं उन नौजवानों को कि तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना। बेटा सुन लो, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, जमीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, जमीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह से गिरने का काम मत करना।